पलवल में भर्ती कड़ाके की सर्दी भी नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों के मनोबल को कम नहीं कर पाई, बल्कि किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन और तेज होता जा रहा है। पलवल में किसानों का धरना लगातार जारी है। ये धरना नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा के पास पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है और दिनों दिन और तेज होता जा रहा है। किसानों को साथ ही ये उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और मजबूत होगा। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, चाहे समय कितना भी क्यों न लगे, ये कहना है प्रदर्शनकारी किसानों का। लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं पलवल बॉर्डर पे, तमाम किसान साथी हैं हमारे साथ यहाँ पर, हजारों किसान भाई, और जब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता, यहाँ पे भीषण दंड का प्रकोप जारी है। लेकिन इन तानाशाही सरकारों के सामने किसानों का जोश और गर्म हुआ है और भारी संख्या में किसान आएंगे और ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं पूरी होती। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों की याद में 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। किसानों का कहना है कि उनके साथियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ये आंदोलन किसानों के लिए, किसानों ने बिल्कुल मूड बना लिया है कि इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग लगातार इन विधेयकों का बिल का विरोध कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो मार्गदर्शन हम लोगों को देते हैं, हम लोग उसी तरफ से आगे बढ़ने का काम करते हैं। कड़कती ठंड के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों को समर्थन भी मिलता जा रहा है, जिससे किसानों को उम्मीद है कि वो पूरी जीत के बाद ही वापस लौटेंगे।